मोहब्बत दस्त जैसी है। से आजाद होने के लिए अपने मोबाइल से 033123। बहुत खुश हूं मैम, खुश ना होने की कोई वजह ही नहीं। मैं आज बहुत डिप्रेस हूं जुनैद। क्यों डिप्रेस हैं आप? अमेरिका में हमारी एक पड़ोसन को उनके शौहर ने कत्ल कर दिया, अम्मी ने आज ही फोन पर बताया है। ये तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी, बहुत अच्छी औरत थी वो, बस उन्होंने एक ही गलत फैसला किया उस आदमी से शादी करके। कोई औलाद थी उनकी? पहले शौहर से एक बेटी है बस। हालांकि वहां का कानून बहुत सख्त है इन मामलात में, लेकिन वो बहुत ही मारता पीटता था उनको। पकड़ा क्या? नहीं, ढूंढ रहे हैं। अम्मी बता रही थी कि अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। हाँ, तुम दोपहर को घर जाने का कह रहे थे? जी मैम, वो एक महीना हो गया यहाँ काम करते हुए और घर वाले मुझे बहुत याद कर रहे हैं, मैं भी। अच्छा, फिर तुम कल दोपहर को चले जाना, मंडे तक आ जाओगे ना? जी जी बिल्कुल। थैंक्स जुनैद, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो हमारे लिए। थैंक यू मैम, बस कोशिश यही है कि सब कुछ अच्छी तरह होता रहे। थैंक यू जी। बैठो। यूसुफ आ गया? नहीं सर, कह रहा था कि आज रात को वापस आएगा। मैं चाहता हूँ हम इस बारे में एक बार फिर गुफ्तगू करें। मैं कोई बात नहीं करना चाहती सर इस बारे में, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। वो सब ठीक है, तुम अपने फैसले करने में आजाद हो, मगर मेरा इतना हक तो बनता है ना कि मैं तुमसे ये पूछूं, अचानक तुमने ये फैसला क्यों किया? मैं खुद भी नहीं जानती सर, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि यूसुफ वो शख्स नहीं है जिससे मुझे शादी करनी चाहिए। तो फिर कोई और आ गया है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे ख्याल में उस आदमी से बेहतर? ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर अचानक ये फैसला क्यों डेजी? मैं मिला हूँ उससे, मेरे ख्याल में वो अच्छा आदमी। सर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। राइट, तो ठीक है, जब वो आए तो उससे चाबी लेना और कहना उसी वक्त फौरन यहाँ से चला जाए अपना सामान लेकर। इस वक्त इतनी रात को? हाँ, वो इस घर में तुम्हारे हवाले से एक मेहमान बनकर आया था, अब तुम्हारे इनकार के बाद उसका यहाँ रहने का कोई हवाला नहीं है, इसलिए उससे कहो फौरन यहाँ से चला जाए, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं यहाँ। रात को रहने दें सर, और वैसे भी वो यहाँ पर किसी और को जानता भी नहीं। ऑलराइट, ठीक है, मगर मेरे सुबह जागने से पहले वो यहाँ ना हो। ओके सर।
वफा के रास्तों पर आंसुओं की धूल उड़ती है, तेरी सूरत मेरे अश्कों में यूं बनती बिगड़ती है कि जैसे रूठ जाती है। ये दिल दश्त मोहब्बत है, मोहब्बत दश्त जैसी है। ये दिल दश्त जैसी है। मेरे दिल में कोई दीवार सी मिसमार करती है, तेरी ख्वाहिश मेरी आंखें चरागा सार करती है। मेरे दिल में कोई दीवार सी मिसमार करती है, तेरी ख्वाहिश मेरी आंखें चरागा सार करती है। वफाओं के हवालों में मेरे ख्वाबों ख्यालों में मोहब्बत झिलमिलाती है। मोहब्बत दश्त जैसी है, ये दिल दश्त मोहब्बत है, मोहब्बत दश्त जैसी है। किसी के नाम पर जीना बड़ा दुश्वार रास्ता है, ये बादल अश्क बनकर सिर्फ आँखों पर बरसता है। किसी के नाम पर जीना बड़ा दुश्वार रास्ता है, ये बादल अश्क बनकर सिर्फ आँखों पर बरसता है। फिजालूद गुलशन में ये कोयल दिल के आंगन में किसी का हिजर गाती है। मोहब्बत दश्त जैसी है, ये दिल दश्त मोहब्बत है, मोहब्बत दश्त जैसी है। हाँ जुनैद, सॉरी तुम्हारा फोन आया था मगर मैं फोन के करीब नहीं था। तुम कब आए वापस बाहर से? बाहर से? हाँ तुम दुबई चले गए थे ना। दुबई चला गया था? ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारी अम्मी ने, मेरी अम्मा से और शमीम से। क्या कह रही हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ। हेलो क्या हो रहा है? तुम जाग रही हो अभी तक? हाँ नींद नहीं आ रही थी। तुम परेशान लगती हो डेजी, क्या बात है? मैं तो तुमसे एक बहुत अहम बात डिस्कस करना चाहता था। मैंने सब सोच लिया है इन एक दो दिनों में। क्या सोच लिया, हमें भी तो पता चले। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे इख्तलाफ नहीं करोगी। भाई इख्तलाफ का सवाल तो उस वक्त उठता है जब तुम मुझे अपनी पूरी बात बताओगे। बोलो क्या बात है डेजी। मैंने और तुमने कभी अच्छे दिन नहीं देखे है ना? अच्छे दिन क्या मतलब? हाँ हम दोनों खैरात पर पले बड़े हैं, तालीम हासिल की और जीने के लिए ठोकरें खाने लगे, राइट? लेकिन मैं समझी नहीं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। बोलो क्या बात है। मैं जानता हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो
वो दिल के बहुत अच्छे दुनिया में और आखिर में नुकसान में रहते हैं। हाँ, दिमाग से सोचने वाले अलबत्ता बहुत आगे जाते हैं। देखो, अगर तुमने पहेलियों में बात करना ना छोड़ी तो मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जिसका ताल्लुक मुझसे, तुमसे और सुल्तान साहब से है। सुल्तान साहब से? हाँ, मैंने तब ऐसा नहीं सोचा था जब तुम फोन पर सुल्तान साहब का तذکرہ करती थी, लेकिन यहां आने के बाद मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा जैसे मैं वो सब सोचता था, वो मेरा ख्वाब वो पूरा हो गया, वो मेरा जैकपॉट लग गया। वो कैसे? सुल्तान साहब तुम पे अंधा अहतमाद करते हैं ना? अपनी बात कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मरी में एक दिन रहा हूं और अगले दिन वापस आ गया था। कुछ होमवर्क था, वो करना था। कैसा होमवर्क? हाँ, होमवर्क। और मेरे होमवर्क के मुताबिक सुल्तान साहब ने ये घर, एक फैक्ट्री और 1 करोड़ रुपया तुम्हारे नाम कर दिया है। उन्होंने इस नौयत की वसीयत वकील साहब के पास जमा करवा दी है और मुझे 50,000 खर्च करने पड़े उस वसीयत की कॉपी हासिल करने के लिए। तुम कहो तो तुम्हें दिखा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें खुशी नहीं हुई ये सुनकर? नहीं, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो डेजी? तुम